दोस्तों, पीएम किसान योजना की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, जिसके अंतर्गत 28 जनवरी 2023 तक अगर आप एक काम नहीं करते हैं तो आपको 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो क्या है पूरा अपडेट और आपको क्या काम करना है और 13वीं किस्त कब मिलेगी, इन सब की पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 16,74,000 किसानों ने अभी तक eKYC नहीं करवाया है, और ये डेटा सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य का है। ये बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है आंकड़ा, जिसमें कि बताया गया है कि 16,74,000 किसानों ने अभी तक eKYC नहीं करवाई है। तो उनके लिए लास्ट डेट दी गई है 28 जनवरी। आपको 28 जनवरी तक eKYC ज़रूर करवा लेना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा देश के और सभी राज्यों में भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी eKYC नहीं करवाई है। तो सभी लोगों को ध्यान से जल्दी अपनी eKYC कंप्लीट करवा लेनी है, ताकि आपको 13वीं किस्त का पैसा मिल सके। अगर आपने eKYC करवा रखी है तो भी एक बार आपको चेक कर लेना ज़रूरी है कि eKYC हो गई है या नहीं हो गई है। और उसके बाद अगर हो गई है तो अच्छी बात है, और अगर आपकी eKYC नहीं कंप्लीट है तो आपको जल्दी से जल्दी करवा लेना है। और उसके लिए आप अगर आधार में मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं लगा हुआ है तो आप CSC पर जाके बायोमेट्रिक के माध्यम से अपनी eKYC कंप्लीट करवा सकते हैं। तो मैं आपको पहले चेक करने का तरीका बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी eKYC कंप्लीट है या नहीं है। उसके लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर आ जाना है, pmkisan.gov.in, और उसमें ये वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है eKYC, तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल मांग रहा है आधार नंबर। यहाँ पर आप आधार नंबर डाल देंगे और उसके बाद नीचे जब सर्च पर क्लिक करेंगे तो अगर आपकी KYC हुई होगी तो KYC डन लिख के आ जाएगा, और अगर KYC नहीं हुई होगी तो आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा, जहाँ पर आप OTP के माध्यम से KYC कर सकते हैं। तो यहाँ से आप KYC कर भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपकी KYC हुई है या फिर नहीं हुई। दूसरे तरीके से अपनी eKYC चेक करने के लिए आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है, और यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशरी स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आप अपना बेनिफिशरी स्टेटस ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि KYC हुई है या नहीं हुई है। अगर KYC हो चुकी होगी तो KYC डन लिखा हुआ आएगा, और KYC नहीं हुई होगी तो KYC पेंडिंग या फिर नो KYC लिख के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी KYC हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी KYC नहीं हुई है तो जल्दी से जल्दी KYC ज़रूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि 13वीं किस्त जल्द ही आने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 13वीं किस्त लगभग कब आ सकती है। तो जैसा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बताया था, जिसमें आपके लिए बताया था मैंने, जो जिसका नोटिफिकेशन 12 तारीख को आया था, कि अगर NPCI से आपका अकाउंट लिंक नहीं है तो उसको जल्दी से जल्दी करवा लें, जिसमें कि 14 या 15 दिन का टाइम दिया गया था, और लगभग इसकी डेट भी लास्ट डेट 27-28 जनवरी ही हो रही है। और अभी आज जो अपडेट आया है इसमें भी 28 जनवरी तक eKYC कराना अनिवार्य बताया गया है। तो मतलब कि 28 जनवरी के बाद जो है 13वीं किस्त कभी भी आ सकती है। हो सकता है कि इसी महीने के 28 के बाद और 31 तक आ जाए, नहीं तो फिर फरवरी में पहले हफ्ते में तो ज़रूर ही आ जाएगी। हालांकि ये सिर्फ़ एक अनुमान है, लेकिन उम्मीद है जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आए हुए हैं उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में 13वीं किस्त ज़रूर आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जैसे ही कोई जानकारी मिलती है किस्त आने के बारे में कि किस तारीख को आएगी, अगर कोई ऑफिशियल जानकारी मिलती है तो मैं इसकी जानकारी आपको तुरंत दे दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको जानकारी तुरंत मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।